में बात ये थी सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट के बाद नेक्स्ट कंडीशन है, सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट कंडीशन है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट व्हिच व्हेन रिपीटेड इन थ्री डायमेंशंस इन स्पेस गिव्स द होल लैटिस ऑफ द क्रिस्टल। इट इज नोन एज स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन। जितना भी स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल कंडीशन होती है उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कई टाइप्स की होती हैं, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो सबसे पहली कंडीशन हम देख सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल तीसरी कंडीशन होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथी होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जितने भी टाइप्स आपको बताए गए सब टाइप को अलग अलग कंडीशन से हम इसको समझ सकते हैं। सबके फिगर देखा स्ट्रक्चर होता है इसके गार्डियन, उसको अप्लाई करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कंडीशन में अगर आप देखें तो प्रिमिटिव कंडीशन में जो एटम्स होते हैं वो ओनली कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे उन्हीं पर ये प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जैसे प्रिमिटिव कंडीशन है, तो प्रिमिटिव कंडीशन में देख सकते हैं कि प्रिमिटिव कंडीशन में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है इस कंडीशन के गार्डियन, यहाँ पर ये कार्बन हो गया। कार्बन पर अगर आप देखें ये कार्बन के गार्डियन ये फोर एटम आपके ऊपर प्रेजेंट है और फोर नीचे, कहने का मतलब एट कार्बन है तो एट कार्बन पर सभी एटम आपके प्रेजेंट। तो जितने भी कार्बन होंगे अगर ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी तो इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव कंडीशन में अगर हम डिफाइन भी करना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी पार्टिकल्स हैं आर प्रेजेंट ओनली एट द कार्बन, कार्बन पर प्रेजेंट हो। दूसरी कंडीशन हम देख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड की बात। बॉडी सेंटर्ड में अगर हम देखें सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड कंडीशन अगर हम देखें तो बॉडी सेंटर्ड कंडीशन में यहाँ पर कार्बन पर अगर आप देखें तो कार्बन पर वही कंडीशन प्रिंटिव थी, लेकिन यहाँ तो मिड का पॉइंट होगा, तो मिड का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा एटम होगा, यहाँ पर भी एक एटम आपका प्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन को बोल सकते हैं बॉडी सेंटर। ये कहलाती है आपकी बॉडी सेंटर कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं बॉडी के बाद फेस सेंटर की हम बात करते हैं। फेस सेंटर क्या है, तो फेस सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो फेस सेंटर और जितने भी फेस होंगे जो फेस होंगे सभी फेस पर भी आपके एटम प्रेजेंट होंगे, जितने भी फेस होंगे सभी पर भी एटम प्रेजेंट होंगे। तो कहने का मतलब फेस फोर कार्बन ऊपर फोर नीचे एट कार्बन हो गए और फेस भी आप देखें तो सिक्स फेस यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। इसी कंडीशन के कारण जो कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, तो इसी कंडीशन के कारण छह फेस आपकी हो गए 1 2 3 4 5 6 सिक्स आइटम आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के कारण आप देख सकते हैं ये फेस सेंटर कंडीशन आपके अप्लाई, अगर ये कंडीशन आपकी नजर आती है तो इसको हम फेस सेंटर बोलते हैं। लास्ट कंडीशन जिसको हम एंड या साइड कंडीशन बोलते हैं, साइड सेंटर्ड कंडीशन। तो साइड सेंटर्ड में एंड कंडीशन अगर आप देखें तो एंड की कंडीशन में हम देख सकते हैं वी नो दैट यहाँ पर एंड कंडीशन आपकी बनी हुई है। तो एंड कंडीशन में जो कॉर्नर है यहाँ पर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा ये, और जितने भी एंड सेंटर की कंडीशन है एंड पर जो भी आपका प्रेजेंट होगा एंड कंडीशन पर, एंड कंडीशन अगर आपकी अप्लाई होती है तो वहाँ पर जो आपका एंड पॉइंट होगा वहीं पर आइटम आपके प्रेजेंट होते हैं लास्ट साइड, इसीलिए इसको एंड सेंटर या साइड सेंटर भी बोलते हैं।
तो चार तरह की कंडीशन हमने आपको बताई, प्रिमिटिव बॉडी फेस एंड एंड यूनिट सेल या एंड फॉर्म साइट सेंटर्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम चार टाइप से देख सकते हैं कि प्रिमिटिव बॉडी और फेस और एंड सेल। अब इसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।